बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले ही दावा करें कि उनके राज्य में बिहार में सुशासन चल रहा है, लेकिन सीएम के दावों की पोल बिहार से आने वाली तमाम रिपोर्ट खोल देती है। कभी हजारों लीटर शराब चूहे पी जाते हैं तो कभी सामान्य ज्ञान भी ना रखने वाले छात्र बिहार बोर्ड में टॉप कर जाते हैं। और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बिहार की कानून व्यवस्था के दावों पर ही सवाल उठा दिया है, क्योंकि राज्य में थाने ही गायब हो गए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहा है। नीतीश की सहयोगी बीजेपी और हम भी अपनी ही सरकार को इस मुद्दे पर घेरते रहे हैं। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही है, इसलिए कानून व्यवस्था पर उठने वाले हर सवाल पर सीएम खुद सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। और अब बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे राज्य की कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस महकमा ही सवालों के घेरे में आ गया है। राज्य के 28 जिलों में 99 थाने और चौकियां यानी ओपी अचानक गायब हो गई है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से बिहार के थानों और ओपी में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू किया गया है। ये काम जब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को सौंपा गया है, TASL ने सीसीटीवी लगाने का काम भी शुरू कर दिया, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने जब लिस्ट चेक की तो उसमें 28 जिलों के 62 थाने और 37 ओपी गायब मिली। कंपनी की ओर से तुरंत ही इस बारे में पुलिस मुख्यालय को ये रिपोर्ट भेज दी गई कि जहां बताया गया था उस जगह थाना और ओपी फिजिकली तौर पर मौजूद नहीं है। मामले का खुलासा होने पर राज्य के अपराध अभिलेख ब्यूरो के DIG ने जिलों के SP को पत्र लिखकर रिपोर्ट देने को कहा है। गायब हुए थाने और ओपी फिजिकली तौर पर हैं भी या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो थाने और ओपी गायब मिले हैं उसमें से एक दर्जन से ज्यादा राजधानी पटना के ही हैं। प्रशासन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अब सफाई दे रहे हैं कि कंपनी ने जितने थानों और ओपी में CCTV लगवाए हैं उतने का ही भुगतान किया जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।